ये देखिए सारे कपड़े हमारे धुल चुके हैं, और इधर जो ये भी धो दिए सब। और ये है पेठा जो आगरा का स्पेशल है, और ये देखिए ये केसर पेठा है, बहुत टेस्टी होता है। खाना खा के बताओ इससे कितने टाइम लगाया तोड़ने में। ये देखिए एकदम रस से भरा होता है ये। ये देख सकते हो आप, ये है केसर पेठा। यहाँ पे देखिए मैं ढोकला बना रही हूँ, तो ये ढोकले का बैटर है, और ये इधर मैं डाल दी। यहाँ पे गर्म पानी हो रहा है सांची में, ढोकला बनके तैयार है एकदम गर्म और गर्म। और इधर है जो ढोकले का मीठा वाला पानी बनाई हूँ मैं, और इधर है जो मिर्ची सेक की तैयार करी हूँ। और यहाँ पे ये बड़े पड़े रखे हुए हैं, बहुत बड़े जो बने थे प्रोग्राम में, तो काफ़ी सारे लोगों खाना बना था तो सब खा लिए थे। और सुबह जो मंदिर में और कोई आता है ना, तो उनको हम देते रहते हैं, जो भी है मतलब कचरा लेने वाले आते हैं और कोई भी आता है, सबको दे देते हैं प्रसाद। और यहाँ पे जो हमारी गुड़िया रानी खेल रही है छोटी वाली भाभी के साथ, तो ये बड़ी क्यूट लग रही है। और यहाँ पे जो भैया और भाभी बैठे हैं और मेरे मालिश कर रहे हैं सिर की, क्योंकि जागरण खाटू श्याम जी की बाणी। हाँ चला रहा बता, एक बार चलाते हैं ना वैसे इधर कर। और यहाँ पे जो शाम को मैं खाना बनाऊंगी चूल्हे पे, और चूल्हे पे चाय बनाऊंगी, तो यहाँ पे सामान को थोड़ा हटा रही हूँ, कपड़े सूख गए हैं तो उनको भी उतारूंगी। और ये तुलसी जी का पौधा है ऊपर छत पे, तो सर्दी के कारण क्या ऊपर सर्दी ज़्यादा होती है ना छत पे, तो ये थोड़ा सूखने लग गया, तो मैं इसकी अच्छे से गुड़ाई करूँगी और इसकी साफ़ सफाई करूँगी, और इसमें खाद डाल के फिर पानी डाल दूँगी। और खाद में गोबर का ही डालती हूँ तुलसी में, और दूसरा खाद कोई सा भी नहीं डालती हूँ, तो ये अच्छे से ग्रो हो जाएगी, और ये अच्छे से है ना इसमें नए पत्ते आने लग जाएंगे, और आने लग गए अभी, हमें 2 दिन बाद में देखी थी तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तो मैं इसकी गुड़ाई कर दी, और उसके बाद में थोड़ी साफ़ सफाई करूँगी चूल्हे के पास, झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी।
यहाँ पे देखिए चाय पानी पी लिया। मैं जल्दी खाना बनाऊंगी क्योंकि मेरे को किसी से मिलने जाना है, मेरी सिस्टर से। तो मैं चाय वाय पी के और जल्दी खाना खिला दूंगी बच्चों को बना के। और शाम हो चुकी है, 6 बज चुके हैं वैसे, लेकिन मैं जल्दी बनाऊंगी। दूध भी गर्म हो चुका है। अभी देखिए हमारे शाम का खाना होना बन चुका है। पन्नू बाबू खाना खा रहे हैं। शाम हो चुकी है, बढ़िया। सिस्टर है तो उनकी तबीयत खराब है, तो उनसे मिलने जा रहे हैं। हम पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ऑपरेशन हुआ है उनका, तो उनसे मिल के आएंगे भी। सारा काम शाम का करके फिर जा रही हूँ। बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी? हाँ सर की लगती है। शाम में के भी आ गए जी उठ नहीं उठ के। और काना बाबू घर पे ही था और सोया नहीं तो ना। हम गए थे 8 बजे 9 बजे आकर।